अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम मॉडल पेपर के जो एमसीक्यूज़ है वो सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह आज ही या कल जिस टाइम आज अपलोड होगी वीडियो इसी टाइम कल जो क्वेश्चन आंसर है मॉडल पेपर के वो मैं सॉल्व करवाऊंगा। आज इंशाल्लाह हम एमसीक्यूज़ कवर करेंगे जो मॉडल पेपर में लिखे हुए। एक दो बातें मैं बता दूँ, मॉडल पेपर को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे। इसका हरगिज़ से मतलब नहीं है कि मॉडल पेपर आपके पेपर में आएगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ, मॉडल पेपर का मतलब होता है आपको पैटर्न बताना कि पैटर्न क्या होगा, कितने एमसीक्यूज़ होंगे, क्या क्या डिवीजन होंगी, कौन सा सेक्शन क्या है, कितने क्वेश्चन आएंगे, चॉइस, कंपलसरी, सब चीज़ें होती हैं। इसका हरगिज़ से मतलब नहीं होता कि आपके एग्जाम में यही चीज़ आएगी। तो पहले जहन में रखना कि मॉडल पेपर को ये चीज़ कॉन्सेप्ट निकाल दो कि ये आप लोगों के एग्जाम में आएगा। मैं इसलिए सॉल्व करवा रहा हूँ क्योंकि आपके पास एक नए एमसीक्यूज़ हैं। जैसे मैंने आप लोगों के पास पेपर के एमसीक्यू सॉल्व करवाए हैं, वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जितने 2009 से लेके आई गेस पैटर्न चेंज हुआ था जिसमें एमसीक्यूज आते थे, 2009 से लेके 2018-19 तक मैंने सॉल्व करवाए हैं सारे पास पेपर के एमसीक्यूज। उसके बाद मॉडल पेपर के एमसीक्यूज हैं, ये भी मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। और इंशाल्लाह आप लोगों के एग्ज़ाम से एक दिन पहले मोस्ट प्रॉब्ली शाम में 6-7-8 बजे के करीब एक वीडियो अपलोड होगी 1-2 घंटे की। उसमें मैं 100 एमसीक्यू जो हैं ये आप लोगों के कवर करवाऊंगा। वो 100 पूरे सेकेंड ईयर से होंगे और वो एमसीक्यू जब आप कवर कर लोगे तो इंशाल्लाह आपको दोबारा कोई नए एमसीक्यू सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अंदर हर किस्म के एमसीक्यू जो हैं वो सेकेंड ईयर के मैंने डाले हुए होंगे, पास पेपर के भी होंगे, मॉडल पेपर के भी होंगे और थोड़ा हट के भी एमसीक्यूज होंगे, ताकि अगर पेपर मुश्किल आए या एमसीक्यूज मुश्किल आए तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहो। तो ये सब चीज़ें इंशाल्लाह अपलोड हो जाएंगी। तो ये जो बात थी मैंने क्लियर कर दी है। अब जैसे मैंने बताया, इस वीडियो में इंशाल्लाह हम एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे जो 25 है मॉडल पेपर में, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम सब्जेक्टिव वाला पोर्शन जो है उसको कवर कर लेंगे। मैं कोशिश करूंगा ये जो एमसीक्यूज़ हैं साइड पे लगा दूं कहीं, ताकि आप लोग साथ साथ देख भी लो, या आपके पास दूसरा ये कि मॉडल पेपर आप प्रिंट करके अपने पास रख लेना और जो जो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ उसको साथ सॉल्व करते रहना। तो स्टार्ट करते हैं यार। 30 मिनट होते हैं आपके पास, 25 एमसीक्यूज़ होते हैं जो आपने सॉल्व करने हैं। अब इस 25 एमसीक्यूज़ में आप लोगों को मैं बताऊंगा कितने एमसीक्यूज़ ऐसे होंगे जो बहुत ही ईजी होंगे, आप बड़ी आसानी से कर लोगे। वो हम स्टार्ट करते हैं। मेजॉरिटी तो ईजी हैं सारे इसके अंदर, फिर भी देख लेते हैं हम। सबसे पहला एमसीक्यूज़ जो है वो लिमिट से रिलेटेड है, चैप्टर नंबर 1। और गिविन क्या है कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। ये आपको लिमिट मालूम करनी है। तो इसका एक और भी तरीका होता है, लेकिन मैं जो आप लोगों ने अपने कोर्स में किया हुआ है ना वही मैं करवाता हूँ। मैं एक नई चीज़ आप लोगों को नहीं बताना चाह रहा। एमसीक्यूज़ में स्टेप मैटर नहीं करते, ये चीज़ जहन में रखना, टाइम अपना बचाना, फालतू में हर स्टेप में लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो असल काम करना है वो इस फंक्शन के ऊपर करना है, तो बस इस फंक्शन पर ही रहना, एक्स्ट्रा काम करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप इस फंक्शन को देखो तो यहाँ पे आप अगर 2 पुट करोगे तो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी, ऑब्वियसली मतलब 0/0 आ रहा होगा, तो आपको फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, आप इसको फैक्टराइज कर दो न्यूमरेटर को x माइनस 2 एक्स प्लस 2, मतलब इस पे आप फॉर्मा लगा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो न्यूमरेटर को जैसे ही आपने फैक्टराइज कर दिया, अब तो आप कैंसिल कर सकते हो आसानी से। अब अगेन ये एक स्टेप में आपका काम होना चाहिए, आपको ये बार बार स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, फालतू में टाइम जाया ना करना अपना। जब आपने देख लिया कि इस पूरी फ्रैक्शन में जस्ट एक ही चीज बची है x प्लस 2, तो अब आप लिमिट पुट कर दो। x 2 के पास अप्रोच कर रहा है तो यहां पे 2 पुट करो, 2 प्लस 2 क्या होगा, 4 के बराबर, दैट्स इट। तो ऑप्शन नंबर, यार मुझे लगता तो नहीं एग्जाम में इस तरह आता है, स्टार लिखा हुआ होता है एग्जाम में, ABC कर आता है या जो भी सीन है, 4 जो है वो राइट ऑप्शन है। दूसरा एमसीक्यू लिखा हुआ है कि एक फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। खैर इसमें तो उन्होंने कुछ किया हुआ नहीं है, असल चीज़ क्या है कि आपको एक फंक्शन लिखा हुआ है और फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और आपसे बोला हुआ है कि आप मालूम करो एफ ऑफ 2। तो सिंपल आप एक्स की जगह 2 पुट कर दो, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। इसका आंसर भी क्या है, 4 के बराबर है। पार्ट नंबर 3 भी लिमिट का, एमसीक्यूज नंबर 3 भी लिमिट का बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लिमिट, अच्छा ये वो टॉपिक है जो रिड्यूस हो गया है, नहीं ये मौजूद है, ये 1.7 में, सॉरी ये है, इसमें एक लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1+1/x^x, ये पूरी चीज़ बराबर होती है e के, और यही एग्जैक्ट उन्होंने फॉर्मूला पूछा है, तो इसका आंसर जो है वो तो
ई के बराबर ही है, लेकिन इसमें थोड़ी वेरिएशन भी आ सकती है, वो मैं वेरिएशन वाला सवाल करवा देता हूँ। एक तो ये पूरी चीज ई के बराबर होती है, ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रख लो, इन्फिनिटी के पास लिमिट अप्रोच कर रही है, अंदर वन अपॉन एक्स है, ऊपर एक्स है, तो इस पूरी चीज का आंसर जो है वो ई के बराबर है। स्लाइड वेरिएशन ये हो सकती है कि वो यहाँ पे आपको टू दे दें, तो यही चीज होगी, पूरा आंसर क्या हो जाएगा, आप ई की पावर टू हो जाएगा। अगर यहाँ पे थ्री दें तो अभी हो जाएगा ई की पावर थ्री, ठीक है, एक वेरिएशन ये हो सकती है, एक वेरिएशन यहां भी आ सकती है, लेट कर लो ये वन है और बाहर इधर टू आ जाए, सेम कॉन्सेप्ट है, अभी भी इसका आंसर क्या होगा, ई की पावर टू। बेसिकली हम करते क्या है, जो एक्स के ऊपर लिखा हुआ है ना और जो एक्स के साथ लिखा हुआ है इसको आप मल्टीप्लाई करते हो, जो बिल्कुल बेसिक सा केस है उसमें देखो एक्स के साथ वन है, एक्स के ऊपर वन है, तो वन को वन से मल्टीप्लाई करो, वन आंसर आएगा, लिखो या ना लिखो बात एक होती है, तभी इसका आंसर ई के बराबर है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ और आ जाए, लेट कर लो एक्स के ऊपर टू आ जाए और यहाँ पे एक्स के साथ थ्री आ जाए, तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हो, इस टू को थ्री से मल्टीप्लाई करो सिक्स, तो उसका आंसर हो जाएगा ई की पावर सिक्स। तो हल्की पुल्की अगर वेरिएशन आ जाए तो आप लोग ध्यान में रखना, कोई इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, मैंने दो तीन एग्जाम्पल दे के आप लोगों को बता दी है। अब हम आगे चैप्टर नंबर टू और थ्री की लिखा हुआ स्लोप ऑफ अ लाइन, एक लाइन आपको गिवन है 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू जीरो। अच्छा मेरी कोशिश ये है कि मैं जल्दी से जल्दी, मतलब कम से कम स्टेप में आपका क्वेश्चन सॉल्व करूं और आपको कोई नई चीज़ ना बताऊं, क्योंकि टाइम नहीं है कोई नई चीज़ सीखने का। तो ये वही सारे मेथड हैं जो आप लोग अपने कोर्स में सीख कर आ गए हो, इनकी शॉर्ट ट्रिक्स भी होती हैं खासतौर पर पहले वाले सवाल की, लेकिन वो अभी आपको उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला सवाल जो है इसमें आपको स्लोप निकालना है, तो सबसे इजी तरीका जो आपने चैप्टर नंबर थ्री में पढ़ा था 3.1 के अंदर, वो ये था कि स्लोप का फॉर्मूला होता है माइनस, अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है और आपने उसका स्लोप निकालना है इक्वेशन की हेल्प से, तो फॉर्मूला था माइनस, न्यूमरेटर में आप लिखते थे एक्स का कोएफिशिएंट 3 है, डिनोमिनेटर में आप लिखते हो वाई का कोएफिशिएंट, वाई का कोएफिशिएंट क्या है माइनस 5। तो क्या फॉर्मूला है, माइनस ऊपर लिखोगे x का कोएफिशिएंट, डिनोमिनेटर में लिखोगे y का कोएफिशिएंट, सॉल्व करो इसका स्लोप क्या आ जाएगा, 3/5 के बराबर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर खैर कुछ भी है, 3/5 इसका राइट आंसर है। अच्छा इसमें वेरिएशन भी आ सकती है, अगर बोला जाए कि इस लाइन के जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप निकालो, तो ये तो इस लाइन का स्लोप है ना, इसके जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसका स्लोप क्या होगा, इसको रेसिप्रोकल करो, इसका साइन पॉजिटिव उसका नेगेटिव कर दो। तो अगर एक लाइन का स्लोप 3/5 है तो जो इसके परपेंडिकुलर लाइन होगी उसका स्लोप क्या हो जाएगा, -5/3, और अगर इस लाइन के कोई पैरेलल लाइन होगी तो उसका स्लोप भी 3/5 होगा। मतलब अगर कोई लाइन इसके पैरेलल है तो 3/5 स्लोप होगा, और अगर कोई लाइन इसके परपेंडिकुलर है देन उसका स्लोप -5/3 हो जाएगा। ये साथ साथ में चीज़ें क्लियर करता जा रहा हूँ जो नॉर्मली आपको नजर आती हैं पास पेपर्स में और MCQs में, कि इसी तरीके से वो खेल रहे होते हैं पैरेलल परपेंडिकुलर या सिंपल, तो मैं सब केसेस डिस्कस करता जा रहा हूँ। 5 में लिखा हुआ जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए वैसे तो, मतलब स्टार लिखा हुआ है उन्होंने, ax प्लस by प्लस c, इसको आप जनरल फॉर्म बोलते हो। अच्छा बाकी फॉर्म भी आ सकती हैं, एक होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस b, एक होती है स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 mx माइनस x1। ये आप 2.5 में पांच फॉर्म जो है ना उनको भी याद कर लेना। इसी तरह एक टू पॉइंट फॉर्मूला होता है, टू इंटरसेप्ट फॉर्मूला होता है, इसी तरह नॉर्मल फॉर्म होती है स्ट्रेट लाइन की, तो ये पांच वो वाली फॉर्म आपको आनी चाहिए। इसी तरह चैप्टर नंबर थ्री के स्टार्ट में आपने जनरल फॉर्म पढ़ी थी स्ट्रेट लाइन की, तो जनरल फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c। तो ये जो जितने रिलेटेड टॉपिक है ना इनको आप लोग जहन में रखना। पार्ट नंबर सॉरी MCQ नंबर 6 है, पॉइंट लाइज बिलो द लाइन। अच्छा एक चीज़ ध्यान में रखना है, मैंने अपने बहुत से स्टूडेंट को बोला है फिर भी वो इस चीज़ की गलती कर रहे हैं, और दुख मुझे इसलिए होता है क्योंकि मैंने भी इस चीज़ की गलती कर चुका हूँ, तो मैं नहीं चाहता आप लोग भी इस चीज़ की गलती करो। जब आपको चेक करना होता ना, ये बाय द वे 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का टॉपिक है, कि जब आपको चेक करना हो कि एक पॉइंट है वो लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, नीचे लाई कर रहा है, या लाइन के ऑन द लाइन लाई कर रहा है, तो ये मेथड स्टूडेंट ये समझते हैं कि पॉइंट को बस आपने डायरेक्ट पुट करना होता है, पॉजिटिव आंसर आया तो अबव हो जाएगा, नेगेटिव आया तो बिलो हो जाएगा। उसकी शर्त ये होती है वाई का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन गिवन है 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 और एक पॉइंट गिवन है 2.3,
अगर आपने इस पॉइंट की पोजीशन मालूम करनी है तो आप डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते अभी। उसकी रीजन ये है कि y का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, पहले आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा उसके बाद आप पुट करोगे। ये आपको 2016 के पास पेपर में मिल जाएगा एमसीक्यूज, मतलब मेरी बारी में, तो मैं भी ये गलती कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं बार बार रिमाइंडर देता हूँ कि यार ये गलती नहीं करना। आप लोग भी ये ध्यान नहीं रखते, लोग पुट कर देते हैं। तो y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। कैसे पॉजिटिव करोगे? पूरी इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। अब आप पॉइंट पुट करोगे तो सही मेथड होगा। बहरहाल ये सवाल तो ये नहीं है, इसमें तो जनरल फॉर्म लिखी हुई है कि ax plus by plus c एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें b जो है मतलब वही y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। तो अगर एक पॉइंट बिलो लाई करेगा तो क्या कंडीशन होगी? तो जब बिलो लाई करता है तो आंसर नेगेटिव आता है, नेगेटिव का मतलब लेस देन जीरो आता है। तो जो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए ax1 plus by1 plus c less than 0 मतलब नेगेटिव आएगा तो वो माना जाएगा बिलो द लाइन। अच्छा जी, जहन में रखना MCQs में तो उन्होंने ये वाला लिखा हुआ है ना ax1 plus by1 plus c less than 0, तो ये इसकी राइट कंडीशन है। ये कंडीशन बताएगी कि पॉइंट जो है वो लाइन के बिलो लाई कर रहा है, लेकिन ये वाली कंडीशन नहीं हो सकती, ये इनइक्वालिटी में खेल सकते हैं वो। तो जहन में रखना कि इनइक्वालिटी इसका मतलब होगा कि लेस देन और इक्वल टू, लेकिन आपको पता है कि अगर इक्वल टू जीरो आ रहा है तो वो लाइन के बिलो नहीं होगा, वो ऑन द लाइन हो जाएगा। तो जो बिलो की कंडीशन है वो प्योरली लेस देन वाली इनइक्वालिटी है, तो ये इससे कंफ्यूज कर सकते हैं। तो जहन में रखना कि जस्ट लेस देन है इसमें इक्वालिटी नहीं आएगी। इसी तरह जो अबव का है उसमें ग्रेटर देन वाली इनइक्वालिटी होगी, इक्वल वाली नहीं होगी, तो ये जहन में रखना पॉइंट। MCQ नंबर 7 लिखा हुआ है ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल आर। देखो ट्राइंगल के जो ऑल्टीट्यूड होते हैं, ऑल्टीट्यूड ऐसी लाइन होती है ट्राइंगल में जो एक वर्टेक्स से पास करती है और दूसरी साइड पे परपेंडिकुलर होती है। ये बन नहीं रही सही, लेकिन रफली मैंने बना दिया कि ऐसी लाइन जो एक वर्टेक्स से पास होती है और अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर होती है उसको आप ऑल्टीट्यूड कहते हो। तो ट्राइंगल के ऑल्टीट्यूड हो गए, मीडियंस हो गए, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर हो गए, एंगल्स के जितनी भी लाइंस होती है ना, ये चार बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इनको आप जहन में रखना। मैंने बहुत दफ़ा अपने स्टूडेंट को भी बताई है, और अभी जो ECAT कोर्स अपलोड हो रहा है उसमें मैंने बताया, इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर, इनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। इनकी डेफिनेशन में चार किस्म की लाइंस होती हैं, एक तो एंगल बाइसेक्टर, एक मीडियंस, एक ऑल्टीट्यूड और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये चारों जो लाइन है इनके बारे में आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और ये सेंटर की डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। सेंटर की डेफिनेशन तो कुछ भी नहीं है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब और तो सेंटर में ऑल्टीट्यूड इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सेंट्रोइड में मीडियंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये लाइंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये आप लोग देख लेना, मैंने टॉपिक बस बता दिया आप लोगों को। याद रखना कि जितनी चारों कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं, सेंट्रोइड, ऑल्टीट्यूड या जो भी है। तो इसका मतलब ये होता है कि तीनों लाइन जो है वो एक पॉइंट पे मिलती हैं, ठीक है। तो जब तीन लाइन एक पॉइंट पे मिलती हैं तो उन लाइंस को आप क्या बोलते हो? कंकरेंट बोलते हो। तो ये MCQs तो ऑल्टीट्यूड के साथ आया है ना, अगर ये सवाल मीडियंस का होता कि मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर, तो वो भी कंकरेंट होते। अगर ये सवाल होता इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ, वो भी कंकरेंट होते। तो ये जितनी लाइंस होती हैं ना, ये सब आपस में क्या होती हैं? कंकरेंट होती हैं, ये एक पॉइंट पे मिलती हैं। तो ये एक MCQs है, लेकिन तीन चार MCQs मैंने क्लियर कर दिए, किसी भी नाम से आ जाए तो कंकरेंट ही इसका आंसर हो जाएगा। कंकरेंट अगर ना लिखा हो तो फिर इंटरसेक्ट भी लिखा जा सकता है। कंकरेंट हम बोलते हैं, अच्छा वर्ड है, तीन लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं, लेकिन अगर कंकरेंट ना हो, इंटरसेक्ट लिखा हुआ हो, तो वो भी राइट ऑप्शन होगा। तो ये आप लोग देख लेना। 8 में लिखा हुआ है इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन 3x - 2y - 6। इंटरसेप्ट होते हैं एक्स और वाई इंटरसेप्ट। एक्स और वाई इंटरसेप्ट आप कैसे निकालते हो? एक्स इंटरसेप्ट के लिए आप इक्वेशन में वाई की जगह जीरो पुट करते हो, और वाई इंटरसेप्ट में आप y-intercept के लिए इक्वेशन में आप x की जगह 0 पुट करते हो। तो लाइन आपके पास गिवन है 8 MCQs में 3x - 2y - 6 = 0। अच्छा ये MCQs इजी हैं, ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन आउट ऑफ द बॉक्स दे रहा हूँ। आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब कि सवाल ये नहीं है, लेकिन मैं बाकी भी डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि 25 MCQs करवाने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि बाकी भी आपको नो हाउ हो जाए इनकी, लेकिन आप लोगों को बहुत जल्दी सॉल्व करने में इतना टाइम नहीं लगेगा। बहुत इजी MCQs आते हैं एग्जाम में भी, अगर आप टाइम मैनेज करो तो अच्छे तरीके से आप कर सकते हो, आपका पेपर नहीं छूटेगा। बहरहाल आपको x इंटरसेप्ट निकालना है। अब अगेन ये जो x इंटरसेप्ट की डेफिनेशन, ये हेडिंग मैं आपके लिए डाल रहा हूँ, आपको तो पता होगा ना x इंटरसेप्ट क्या होता है, तो
तो आपको तो हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे टाइम बचाओ और जो काम है उस पर आ जाओ। काम ये है कि आपने एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई को जीरो पुट करना होता है, वाई जीरो हो गया तो इक्वेशन बचेगी 3x-6। अब आपको पता है यार सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी, दरमियान का एक स्टेप खा जाओ, डायरेक्ट एक्स की वैल्यू 2 आ गई है। और अगर आपको यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट निकालना है, आपको पता है वाई इंटरसेप्ट के लिए आप एक्स को जीरो पुट करते हो, तो एक्स को जीरो पुट करो टर्म खत्म हो जाएगी, -2y-6=0 ये बच जाएगी, और यहाँ से वाई की वैल्यू -3 आ जाएगी। तो 2 और -3 जो ऑप्शन नंबर बी है वो ठीक होगा। 9 में लिखा हुआ है इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन y=x। ये जो y=x लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है, इससे काफी एमसीक्यूज आते हैं, तो जहन में रखो। मैं 2-3 चीजें इसके बारे में बता देता हूँ कि y=x ये वो लाइन होती है जो सबसे पहली बात बाइसेक्टर होती है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट की। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है, पहली बात ये आपके जहन में होना चाहिए। दूसरी बात, इस लाइन के इंक्लिनेशन पूछा जाता है, अभी भी इंक्लिनेशन पूछा गया ना, तो इसका इंक्लिनेशन क्या होता है 45 डिग्री, ये दूसरी बात है। और तीसरी बात, इसकी स्लोप पूछा जाता है, इसका स्लोप क्या है, तो स्लोप इसका क्या होता है 1 के बराबर होता है। तो इंक्लिनेशन 45 डिग्री, स्लोप इसका 1 होता है, इक्वेशन इसकी y=x होती है। ये किस लाइन की बात की जा रही है, ये उस लाइन की बात की जा रही है जो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट की बाइसेक्टर हो। इसके साथ साथ मैं एक और एमसीक्यूज भी क्लियर कर देता हूँ, एक और लाइन भी होती है जो सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है, तो उसके उससे रिलेटेड भी आपको 3 बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, इस लाइन की इक्वेशन होती है y=-x। दूसरी बात, इस लाइन का जो पूरा इंक्लिनेशन होता है ना, ये 135 डिग्री होता है। और तीसरी बात, इस लाइन का स्लोप जो है वो -1 के बराबर होता है। तो ये उस लाइन की बात की जा रही है जो सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की बाइसेक्टर है। तो ये 3-3 पॉइंट इन दोनों लाइन से रिलेटेड आपको बताने चाहिए, कुछ भी एमसीक्यूज आ सकता है, तो ध्यान में रखना। 10 में लिखा हुआ फंक्शन मैक्सिमम एट x=a। अच्छा देखो, मैक्सिमम की कंडीशन क्या होती है कि सबसे पहली बात, आपका फर्स्ट डेरिवेटिव तो 0 के बराबर होना चाहिए किसी भी x पॉइंट के ऊपर। जैसे यहाँ पे उन्होंने x=a लिखा हुआ है ना, तो मैं जनरलाइज बात करता हूँ, कोई भी एक पॉइंट है x, ठीक है, अगर आपने मालूम करना हो कि उस पर मैक्सिमम है या मिनिमम, तो कंडीशन क्या होती है, सबसे पहली कंडीशन के फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो तो 0 के बराबर होगा। अब अगर पॉइंट है मैक्सिमम, तो उस पर जो सेकेंड डेरिवेटिव होगा वो हो जाएगा less than 0, मतलब नेगेटिव हो जाएगा। पहली कंडीशन तो दोनों में होगी, फर्स्ट डेरिवेटिव तो 0 होना ही चाहिए, उसके बाद अगर सेकेंड डेरिवेटिव less than 0 है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब उस पॉइंट पे आपका फंक्शन मैक्सिमम है। और अगर आपका जो फंक्शन है वो उस पॉइंट पे मिनिमम है, तो फिर उसका सेकेंड डेरिवेटिव जो है वो > 0 आता है। अब जनरलाइज अगर बात की है, मैंने स्पेसिफिक बात करो, इस एमसीक्यूज में x=a लिखा हुआ है, तो अब जहां जहां x आ रहा है वहां a पुट कर दो, ठीक है। तो पूछिए, उन्होंने मैक्सिमम की है, लेकिन साथ साथ मैंने मिनिमम की भी आपको बता दी है, तो जो ऑप्शन नंबर बी है, नहीं ऑप्शन नंबर ए जो है वो ठीक होगा, मैक्सिमम की पूछिए। 11 में लिखा हुआ है डेरिवेटिव, एक फंक्शन का डेरिवेटिव है। अब इस टाइप के डेरिवेटिव आमतौर पर स्टूडेंट देखते नहीं है, तो वो थोड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये बेसिक रूल है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का, जो आपने चैप्टर नंबर 4.2 में पढ़ा होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते क्या है कि जिसकी बेस जो है वो एक कॉन्स्टेंट होती है और पावर जो है वो एक फंक्शन वेरिएबल होती है। इस तरह आप पहचान लोगे किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। डिफरेंशिएट करने का प्रोसेस ये होता है कि जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको आप एज इट इज कॉपी कर देते हो। 3 स्टेप में आप इसको डिफरेंशिएट करते हो। पहला स्टेप ये है कि आपने एज इट इज उसको कॉपी कर देना, मल्टीप्लाई। दूसरा स्टेप होता है कि आप उसके पावर का डेरिवेटिव लेते हो। पावर है 2x, 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2। और तीसरा स्टेप होता है कि आप एंड पे लिखते हो ln, और जो भी बेस है, बेस यहां पे 2 है ना, तो आप लिखोगे ln 2। तो इस पूरी चीज का आंसर क्या होगा, 2 to the power 2x ln 2। अब आई गेस ये ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ उन्होंने, ये ऑप्शन में लिखा हुआ होगा। इसका एक काम हम ये कर सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी है ना वो यहाँ पे ठीक हो सकता है। किस तरह, आपको पता है ना बेसिक रूल के अगर बेसिस सेम हो तो पावर ऐड होती है, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2x है, बेसिस दोनों की सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे 1+2x, और ये ln 2 जो है ये तो अपनी जगह पे लिखा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि स्टूडेंट ने मुझे भेजा था, ऑप्शन नंबर सी भी इसका ठीक है, या इतफाक से ऑप्शन नंबर सी भी इसका ठीक है, मैं देख लेता हूँ। एक ऑप्शन तो ये ठीक है इसका, ऑप्शन नंबर डी।
अच्छा पेपर में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे तो सी और डी दोनों ठीक है, मैं बताऊंगा सी कैसे ठीक हुआ है। सी और डी दोनों ठीक है, लेकिन एग्जाम में दो ऑप्शन एक साथ ठीक नहीं होते, अगर एक साथ ठीक होंगे तो फिर बोथ को ऑप्शन देंगे, तो ये मिस्टेक है यहाँ पे। एक ऑप्शन तो ये ऑप्शन नंबर डी है, मैं दूसरा जरा बताता हूँ आपको, इस स्टेप से हम आगे जाते हैं। इसका एक काम ये कर सकते हो कि आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता है ना, कि अगर लिखा हो किसी ऐसी चीज का लॉग निकालो जिसकी पावर मौजूद हो, तो पावर पहले आ जाती है, ठीक है, ये क्यू पहले आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास पहले से चीज मौजूद हो, जैसे आप पावर को नीचे लेकर आ रहे हो तो नीचे से ऊपर भी तो लेके आ सकते हो ना, दोनों तरीके से काम करती है प्रॉपर्टी। अगर कोई चीज नीचे लिखी हुई है तो आप उसको ऊपर शिफ्ट कर दो, अगर कोई ऊपर लिखी हुई है तो आप नीचे शिफ्ट कर दो, दोनों तरीके से काम कर सकते हो। तो ये जो टू है ये एल एन के साथ लिखा हुआ है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है मैटर थोड़ी ना करता, ये एल एन के साथ लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे ले आओ, तो ये हो जाएगा एल एन टू का स्क्वायर, इस टू को आपने पावर बना दिया। उसके बाद ये जो 2 की पावर 2x है, इसको इस तरह भी आप लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर और उसकी पावर x, एक ही बात है, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, 2x से मल्टीप्लाई होगा दोबारा 2x हो जाएगा, लेकिन इसको अब मैं सिंपलीफाई कैसे कर सकता हूं, 4 की पावर x, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो 4 की पावर x, और ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो इन शॉर्ट इसका आंसर हो जाएगा 4 की पावर x ln 4, 2 का स्क्वायर 4, इसी तरह यहां पे भी 2 का स्क्वायर 4, तो ये ऑप्शन भी है जो कि ऑप्शन नंबर सी आपको नजर आ रहा है। तो मैंने जहां तक देखा है कि ऑप्शन नंबर सी डी दोनों ठीक हैं इसके अंदर, तो ये मिस्टेक है, लेकिन एग्जाम में इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। बहरहाल 12th पे आ जाओ। अच्छा मेरे अगर सॉल्यूशन में कोई मिस्टेक हो तो मुझे भी बता देना आप लोग, मैंने दरवाजा ओपन रखा हुआ होता है क्योंकि गलती हो जाती है कभी कभी, सामने अगर स्टूडेंट बैठे हो ना तो वो आपकी गलती निकाल देते हैं, लेकिन जब आप खुद पढ़ा रहे हो और मैंने आंसर भी कुछ चेक नहीं किए हुए ना, एक तो होता है ना रिकॉर्डेड वीडियो, जब लाइव आप सॉल्व करते हो तो गलतियां हो सकती हैं, तो अगर आपको लगे तो बता देना। 12th पे आ जाओ, 12th में लिखा हुआ है कि आपने साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है। मैंने डिटेल में डेरिवेटिव की हर चीज़ अपलोड की हुई अपने चैनल पे। जब भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर पावर मौजूद है तो सबसे पहले आप पावर रूल लगाओ, पावर रूल का मतलब ये पावर पहले आ जाएगी, ठीक है, फिर आप इस पावर में से वन कम करो। अब 2 में से जब आप 1 कम करोगे तो वो 1 ही बचता है, ना लिखो तो ज़्यादा बेहतर है। तो सबसे पहले आपने पावर रूल अप्लाई कर दिया, फिर दूसरा स्टेप ये होता है कि आप बेस का डेरिवेटिव लेते हो। बेस मतलब ये पूरा साइन एक्स जो मौजूद है, ये पूरी पावर है और बेस क्या है, साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। और फिर तीसरा स्टेप होता था कि हम एंगल का डेरिवेटिव भी लेते थे। यहाँ पे एंगल एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, लो या ना लो बात एक ही है। तो साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अच्छा हाँ, ये वाला ऑप्शन लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये पूरी चीज़ जो है डबल एंगल फॉर्मूला होता है, ये आपने फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा होगा। हाँ, डबल एंगल फॉर्मूला कि साइन 2x बराबर होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो अगर ये ऑप्शन लिखा होता है ये भी राइट ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन में उन्होंने ये वाली चीज़ लिखी हुई है, तो उसका मतलब ये भी एक ही बात है। 13 में लिखा हुआ एक फंक्शन है e की पावर ln x। ये फंक्शन लिखा हुआ है और आपको मालूम क्या करना है, f ऑफ प्राइम 2। इसका मतलब ये कि आप डेरिवेटिव निकालो और उस डेरिवेटिव में 2 पुट करना है आपने। तो सबसे बेसिक काम, आपको सबसे पहले तो डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, याद रखना e और ln हमेशा कैंसिल हो जाते हैं। मैं भी डेरिवेटिव ही ले रहा, ये मैं आपको बेसिक रूल्स बता रहा हूँ कि जब e की पावर ln हो तो ये स्ट्रेट अवे एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, फिर जो बचता है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये मैंने अभी कोई डेरिवेटिव नहीं लिया, मैंने जस्ट सिंप्लीफिकेशन की है कि e और ln कैंसिल हो गए, x बचा हुआ था वो मैंने एज इट इज नीचे लिख दिया। अब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा, तो जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे आपको पता है x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 के बराबर होता है। अब बेसिकली एक ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसमें आप कुछ भी पुट कर दो आंसर 1 के बराबर ही आएगा। सवाल में आपसे 2 बोला गया पुट करने को, आप x की जगह 2 पुट भी कर दो, लेकिन आंसर 1 ही आएगा, एक कांस्टेंट फंक्शन है, इसका हमेशा आंसर 1 ही होगा। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो ठीक है यहाँ पे। पार्ट नंबर 14 में लिखा हुआ है ln x का डेरिवेटिव। ये जो ln x का डेरिवेटिव है, जैसे आपने डेरिवेटिव में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और लॉगरिथमिक फंक्शन के रूल्स पढ़े थे, इंटीग्रेशन में रूल्स नहीं होते। इंटीग्रेशन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंड लॉगरिथमिक जो फंक्शन होते हैं, इसको आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करते हो, वैसे आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व हुआ है, ये बुक की एग्जाम्पल आपको मिल जाएगी। बुक में अगर आप 2 पेज होते हैं ना, मुझे पेज नंबर याद नहीं है,
यहाँ पे आपकी 3.7 है, अगर आप बुक खोलोगे ना तो इस तरह 3.7 मिलेगी। तो आप इस पेज से थोड़ा पीछे आ जाना और टॉप पे देखना, मतलब इस एक्सरसाइज से पीछे आके टॉप पे आप देखना, ये एग्जांपल सॉल्व हुई भी है, उसमें एल एन एक्स का उन्होंने डेरिवेटिव पूरा निकाला हुआ है, इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट की टेक्निक लगाई हुई है, ठीक है। तो वहां पे मैं तो खुद भी याद कर लिया और मैं स्टूडेंट को भी रिकमेंड करता हूँ कि एल एन एक्स का इंटीग्रल आपको पता होना चाहिए, ये बहुत दफा इस्तेमाल होता है। तो एल एन एक्स का इंटीग्रल होता है एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। तो वहां पे जाके आप लोग देख लेना स्टेप बेसिकली क्या होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट करोगे, जिसमें यू आप एल एन एक्स को लोगे, वी आप वन को लोगे, उसके बाद वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मा लगा देना, एंड पे आपके पास ये पूरा आंसर आ रहा होगा। तो चाहो याद कर लो, कोई मुश्किल नहीं है, मैंने याद किया वह एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स, और अगर चाहो तो फिर लंबा काम हो जाएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से निकालोगे एक डेढ़ मिनट तो लग ही जाएंगे, लेकिन वो वाला भी मैंने बता दिया बुक में सॉल्व हुआ है। इसी तरह जो 6.7 है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का आई गेस पार्ट नंबर 6-7 ऐसा कुछ है, ये वाला पार्ट है एल एन एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको भी जब आप सॉल्व करोगे इसमें भी एल एन एक्स का इंटीग्रल आ रहा होगा, तो बेहतर है याद कर लो तो ज़्यादा सही है। लेकिन जब इस सवाल में आएगा तो फिर तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये 4-5 नंबर के अंदर आ रहा है, एमसीक्यूज में तो स्टेप नहीं है ना, तो बेहतर है जो याद किया हुआ वो डायरेक्ट लिख दो, टाइम बच जाएगा। अच्छा आ जाओ भाई 15 पे। 15 में लिखा हुआ है 2x प्लस 3 माइनस 1 dx। याद रखना कभी भी जब फंक्शन की पावर माइनस 1 है तो आप पावर रूल नहीं लगा सकते, इंटीग्रेशन का पावर रूल आप नहीं लगा पाओगे। तो फिर क्या हल होगा इसका, आप इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दो, ऊपर पावर माइनस 1 है, नीचे जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। पावर लिखो ना लिखो बात एक ही है, तो आपने बस फंक्शन को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया। जब भी आपको डिनोमिनेटर में, खासतौर पे एमसीक्यूज में, डिनोमिनेटर में एक फंक्शन नजर आए जिसकी कोई भी पावर नहीं लिखी हुई, इसका मतलब उस पर एल एन वाला फॉर्मूला लगेगा। उस फॉर्मूले की शर्त क्या होती है, शर्त ये होती है कि अगर आपका डिनोमिनेटर में जो फंक्शन लिखा हुआ है अगर इसका डेरिवेटिव न्यूमिरेटर के अंदर मौजूद है तो आप इस पर एल एन वाला रूल लगा दोगे। अब डिनोमिनेटर में फंक्शन क्या है, 2x प्लस 3, 3 का डेरिवेटिव तो 0 है, 2x का डेरिवेटिव होता है 2, ऊपर 2 मौजूद नहीं है तो आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है। अब अगेन एमसीक्यूज में मैं एक ही स्टेप के अंदर आंसर निकाल रहा हूं, आपको स्टेप नहीं लिखने, टाइम अपना बचाना है। जब आपको पता है ये बहुत बेसिक सा स्टेप है, इसमें गलती भी नहीं हो सकती, तो क्यों स्टेप फालतू लिखो। तो आपने यही 2 से 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, अब जो डिनोमिनेटर है इसका डेरिवेटिव न्यूमिरेटर के अंदर मौजूद है तो इसका आंसर होगा एल एन जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है और प्लस सी आगे लगा दो। अच्छा इसमें एक और भी रूल लग सकता है, वो ये है कि अभी जो मैंने बताया था कि अगर लॉग के साथ कोई चीज़ मौजूद है आप उसको पावर में ही बना सकते हो, और अगर पावर लिखी है तो आप नीचे भी ला सकते हो। तो यहाँ पे लॉग के साथ 1/2 लिखा हुआ है तो इस 1/2 को आप यहाँ पे शिफ्ट कर दो, इसकी पावर बना दो, ठीक है। अब आप 1/2 लिखो, मतलब 2x प्लस 3 की पावर 1/2 लिखो या स्क्वायर रूट लिखो, आपको पता है स्क्वायर रूट की पावर 1/2 होती है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर बी देखो तो उसमें लिखा हुआ है ln रूट 2x प्लस 3 प्लस सी, तो वो ठीक हो जाएगा। 1/2 लिखो या आप रूट लगा दो, बात एक ही होती है। 16 पे आ जाओ, 16 में आपको इंटीग्रेट करना है 1/cot x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो वैसे अभी करना आपके लिए मुश्किल है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर डिनोमिनेटर में मौजूद है तो इंटीग्रेट करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपको पता है 1/cot क्या होता है, टेंजेंट के बराबर होता है, तो 1/cot की जगह आप लिख दो टेंजेंट। अब बेसिकली आपको टेंजेंट का इंटीग्रल पता होना चाहिए, टेंजेंट का इंटीग्रल जो है वो ln sec x होता है, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो ठीक हो जाएगा। 17 में लिखा हुआ है, नेक्स्ट सेकेंड फॉर्मूले, यार आप ये क्या कर रहा हूँ मैं, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अगर फॉर्मूले याद नहीं है इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के खास तौर पे, तो फिर आप नहीं कर पाओगे, मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। और एमसीक्यूज में जाहिर सी बात है कोई मेथड नहीं आपको देंगे, वो फॉर्मूलों से ही खेलेंगे, मेथड के लिए इतना टाइम नहीं होगा उनके पास, एमसीक्यू में जाहिर सी बात है बड़े बड़े मेथड थोड़े ना देंगे वो आपको। तो फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो आपके एमसीक्यूज आसानी से निकल जाएंगे। तो 17 में लिखा हुआ है कि dx स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये तो मैं बड़े इजी तरीके से स्टूडेंट को समझाता हूँ, लेकिन अगर मैंने वो वाला कॉन्सेप्ट अभी बताया तो टाइम लग जाएगा, तो इसके लिए मैं फिर फॉर्मूले ही बताता हूँ जो आपने याद रखा हुआ होगा। ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा कि अगर नीचे लिखा हुआ है
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस पूरी चीज का आंसर होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन एम। तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट है, बस आप गौर करो यहाँ पे ए जो है वो वन के बराबर है, वन को आप ऐसा लिख सकते हो ना वन का स्क्वायर, तो ए यहाँ पे वन के बराबर है, बाकी पूरा यही फॉर्मूला है। तो अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, जहाँ फॉर्मूले में ए लिखा हुआ था वहाँ वन पुट कर दो, तो उस पूरे इंटीग्रल का आंसर हो जाएगा, वन लिखो ना लिखो बात एक ही है, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ये पेज नंबर 200 में मिल जाएगा आपको, पेज नंबर 200 पे जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले खत्म होंगे ना उसके बाद ये तीन फॉर्मूले आ जाएंगे। तो ये तीनों फॉर्मूले आपके 6.3 क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर यूज हो रहे हैं, तो वहां भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। 18 में लिखा हुआ है, अब सर्किल पे आ गए हम, द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल हुज सेंटर लाई ऑन एक्स एक्सिस। देखो जो जनरल फॉर्म होती है सर्किल की वो ये वाली होती है, और इस जनरल फॉर्म में इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए कि सेंटर कहाँ पे होता है, माइनस जी माइनस एफ पे होता है। अब उन्होंने बोला है कि सर्किल का सेंटर जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। याद रखना, अगर कोई भी पॉइंट मैं एक सर्किल बनाता हूँ जिसका सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये एक सर्किल है, याद रखना ऐसा सर्किल जिसका सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होता है उसकी वाई वैल्यू जीरो होती है। तो अगर इस सर्किल का सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो जो इसकी y वैल्यू होगी, मतलब जो f होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। सेम वही कॉन्सेप्ट, अगर ये सर्किल का सेंटर y एक्सिस के ऊपर होता तो आपको पता है y एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट है उसकी x वैल्यू जीरो होती है। तो अगर इसका सेंटर y एक्सिस के ऊपर होता तो फिर g जीरो हो जाता। अभी इसका सेंटर x एक्सिस के ऊपर है तो इसकी y वैल्यू, मतलब जो f वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा जो 7.1 है ना उसके क्वेश्चन नंबर 5 है या 6 है, जिसके चार पार्ट हैं, तो ये उसी से रिलेटेड है, तो वहाँ पे आप लोग देख लेना। मजीद आपको और भी केसेस है ना तो वहाँ पे आपको समझ आ जाएगी। बस सेंटर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का मैंने बता दिया, अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो एफ जीरो हो जाएगा अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है, और अगर सेंटर वाई एक्सिस के ऊपर है तो फिर जी जीरो हो जाएगा। यहाँ पे सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर है, एफ जीरो हो गया, तो ये जो इक्वेशन है ना इसमें एफ को आप जीरो पुट कर दो, तो आपके पास इक्वेशन क्या बचेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। 19 में लिखा हुआ इक्वेशन ऑफ अ सर्किल पासिंग थ्रू रीजन। देखो याद रखो ये स्ट्रेट लाइन के अंदर भी काफी मशहूर एमसीक्यूज है। स्ट्रेट लाइन में एमसीक्यूज होता है कि स्ट्रेट लाइन रीजन से कब पास करती है। तो देखो अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में आपको कॉन्स्टेंट नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब वो रीजन से पास कर रही है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आपके पास लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू जीरो। अब इसमें x की टर्म भी है y की टर्म भी है लेकिन कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। अब आ जाओ सर्किल के ऊपर, सर्किल में कांस्टेंट टर्म क्या होती है, ये वाली। अगर ये पूरी चीज़ जीरो के बराबर है, अगर आपका कांस्टेंट जो है वो सर्किल की इक्वेशन में जीरो के बराबर है, इसका मतलब आपका सर्किल जो है वो पास कर रहा है ओरिजिन से, ठीक है। तो अगर आप गौर से देखो तो ए में भी आपको कांस्टेंट नजर आ रहा है, बी में भी नजर आ रहा है, डी में भी आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी जो है उसमें आपको कांस्टेंट नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी में जो सर्किल है वो ओरिजिन से पास कर रहे हैं। और अगर आपने इसको इमेजिन भी करना है तो ऐप है डेस्मॉस के नाम से, आप ऑप्शन नंबर सी उस ऐप में पुट करना, देखना आपके पास एक सर्किल आ रहा होगा जो ओरिजिन से पास कर रहा होगा, तो आप इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हो। 20 में लिखा हुआ था कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स ऐसे सर्किल्स होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है, जैसे एक सर्किल है ये वाला, इसका सेंटर ये है, अब एक और सर्किल है इसका सेंटर भी ये है, एक और सर्किल है इसका सेंटर भी ये है। तो ऐसे सर्किल जिनका सेंटर सेम हो और रेडियस डिफरेंट हो, जैसे इसका रेडियस ये है, दूसरे वाले सर्किल का रेडियस थोड़ा बड़ा है, इसी तरह तीसरे वाले सर्किल का रेडियस और बड़ा है, तो रेडियस इनके डिफरेंट है लेकिन इनका सेंटर सेम है, तो इन सर्किल्स को आप क्या बोलते हो, कॉन्सेंट्रिक सर्किल। तो इनका क्या होता है, सेम सेंटर होता है, ऑप्शन नंबर सी। 21 में लिखा हुआ है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ अ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन। ऐसा पैराबोला जिसका वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर है और उसका फोकस जो है वो 3.0 के ऊपर है, तो उसका आपको क्या निकालना है, उसकी आपको लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालनी है। तो ये तो बहुत इजी है, याद रखना लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला फॉर्मूला क्या होता है, 4a एब्सोल्यूट वैल्यू इससे लगाई हुई क्योंकि लेंथ आप निकाल रहे हो। a क्या होता है, फोकस से मिलेगा आपको, तो फोकस से कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, उसकी वजह यह है कि अगर ये जो पैराबोला देखो इसका एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है,
अगर कोई ऐसा पैराबोला आता जिसका एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस होता, लेट कर लो ये फोकस होता 0.3, तो अभी भी ए की वैल्यू क्या होती? 3। लेटेस्ट एक्टम की लेंथ वही रहती, तो लेटेस्ट एक्टम की लेंथ चेंज नहीं होती एक्सिस चेंज करने से। आप अलोंग एक्स एक्सिस करो या अलोंग वाई एक्सिस करो, लेटेस्ट एक्टम वैसे ही रहता है। तो इसलिए काफ़ी ईजी कॉन्सेप्ट है। ये वाली कंडीशन लिखी हो, ये वाली कंडीशन लिखी हो, ए तो सेम ही है ना, ए तो 3 के बराबर है, तो यहाँ पर आप ए की जगह 3 पुट कर दो, 4 × 3 12 हो जाएगा, तो 12 लेंथ हो जाएगी यहाँ पे लेटेस्ट एक्टम की। 22 में लिखा हुआ है, इफ सेमी एक्सिस ऑफ ए एलिप्स आर 4 यूनिट। सेमी एक्सिस क्या होते हैं? देखो, एक होता है मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की लेंथ होती है 2a, एलिप्स की बात कर रहा हूँ, और एक होता है माइनर एक्सिस जिसकी लेंथ होती है 2b के बराबर। अगर यहाँ पे बात की जाए सेमी की, तो इसका मतलब सेमी मेजर एक्सिस हो जाएगा a के बराबर, सेमी माइनर एक्सिस हो जाएगा b के बराबर। तो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि सेमी एक्सिस ऑफ एलिप्स आर 4 और 3, तो ए 4 हो जाएगा, बी 3 हो जाएगा। डेफिनेटली मेजर एक्सिस बड़ा होता है, माइनर एक्सिस छोटा होता है, तो सेमी मेजर भी बड़ा होगा सेमी माइनर से। ये सेंस बनाती है ना, 2a बड़ा है 2b से, तो a बड़ा होगा b से। तो जो बड़ी वाली वैल्यू है 4, उसको मैंने सेमी मेजर एक्सिस ले लिया, और जो छोटी वाली वैल्यू गिवन थी 3, उसको मैंने सेमी माइनर ले लिया। पूछा आपसे क्या क्या है, इट्स इसेंट्रिसिटी, इलिप्स की इसेंट्रिसिटी होती है सी अपॉन ए। ए की वैल्यू तो आपको पता है, सी की वैल्यू नहीं पता। तो इलिप्स में सी स्क्वायर जो है ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ए का स्क्वायर करो 16, बी का स्क्वायर करो 9, 16 माइनस 9 होता है 7 के बराबर। तो सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 7, और अगर आपको सी की वैल्यू चाहिए तो आप 7 का रूट ले लो, तो सी की वैल्यू है √7 और ए की वैल्यू है 4, तो इसेंट्रिसिटी हो जाएगी √7/4। बस आपने रूट लिया यहाँ पे क्योंकि सी स्क्वायर की वैल्यू है। ऑप्शन में इन्होंने चलो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन कभी ऑप्शन में 7/4 भी लिख सकते हैं। तो ये 7c नहीं है, सी स्क्वायर की वैल्यू 7 है। सी की वैल्यू कैसे आएगी? जब आप रूट लोगे, 7 का रूट लो तो आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो ठीक है। 13 में लिखा हुआ है, इन अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, याद रखना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में जो ए होता है ना वो बी के बराबर होता है। इलिप्स में तो ए हमेशा ग्रेटर होता है ना बी से, लेकिन हाइपरबोला में ए बी से ग्रेटर भी हो सकता है, ए बी से छोटा भी हो सकता है, ए बी के बराबर भी हो सकता है। तो जब ए बी के बराबर होगा तो उस वाले हाइपरबोला को आप बोलोगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और उससे रिलेटेड उसकी इसेंट्रिसिटी भी कभी पूछी जाती है। तो जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है ना, उसकी इसेंट्रिसिटी √2 के बराबर होती है। तो ये एमसीक्यू से पूछ सकते हैं, जहन में रखना। 24 में लिखा हुआ है, 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0। देखो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता था, ए डॉट पी क्रॉस सी। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है जब वेक्टर्स आपके कोप्लेनर हैं, मतलब ए की प्लेन के ऊपर अगर लाई कर रहे होते हैं। तो 0 जो है ऑप्शन नंबर बी वो ठीक है। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर एंड आई प्लस जे एंड जे प्लस के, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स एंड आई प्लस जे एंड जे प्लस के, ये मेरे ऊपर से ही जा रही है बात, मेरे ख्याल में एंड एक गलत लगाया हुआ है उन्होंने। उन्होंने बोला ये है कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ए वेक्टर है आई प्लस जे और दूसरा वेक्टर है जे प्लस के। ये असल में मैंने पढ़े नहीं है एमसीक्यूज, अगर पहले से मैं होमवर्क करके आता तो मुझे पहले से पता होता गलती हुई भी है। बहरहाल ये एंड जो है ना पहला वाला, आई गेस से गलत किया हुआ है उन्होंने, जहाँ तक मेरी अंग्रेजी है वो ही मुझे बता रही है। कहना है मेरे ख्याल में चाह रहे हैं कि एक वेक्टर है आई प्लस जे और एक वेक्टर है जे प्लस के, इनका आपने क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो अगर आप इसको सही तरीके से कंप्लीट वेक्टर लिखो, मतलब आई जे के की फॉर्म में, तो ये है 1i + 1j + 0k, मतलब आई का कंपोनेंट 1, जे का कंपोनेंट 1, के का कंपोनेंट नहीं है ना, तो मैंने 0 लिख दिया। और इसमें देखो आई का कंपोनेंट नहीं है, तो 0i + 1j + 1k, इन दोनों का आपने क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, आई जे के पहले वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखते हो 1 1 0, और फिर आप दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट लिखते हो 0 1 1। सॉल्व करने के लिए आप एक्सपेंड करो पहली रॉ से, ठीक है, आई आ जाएगा, ये चार चीज़ें आएंगी 1 0 1 1, फिर माइनस जे, ये दो और ये दो, ये आ जाएंगे, क्योंकि ये वाली कॉलम डिलीट करोगे, रॉ डिलीट करोगे, तो आपके पास 1 0 0 1 ये आ जाएगा। और फिर के निकालते हुए ये चार चीज़ें आ जाएंगी 1 1 0 1,
अब आपने सॉल्व करना है, वन को वन से मल्टीप्लाई करो वन हो जाएगा, वन को जीरो से करो वो तो खत्म, वन को वन से मल्टीप्लाई करो वन, इसी तरह वन को वन से मल्टीप्लाई करो वन और ये तो खत्म हो जाएगा। तो सिंपल इसका आंसर आ रहा है आई माइनस जे प्लस के, ये क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो ठीक है। इसका कोई मुझे शॉर्ट तरीका पता नहीं है, जहन में नहीं आ रहा, क्रॉस प्रोडक्ट इसी तरीके से आप निकालते हो। थोड़ा लेंथी सवाल हो जाएगा आपके लिए, एक डेढ़ मिनट लग जाएंगे, लेकिन कोई इसका शॉर्ट तरीका है नहीं। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का एक ही फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला जो है उसमें आपको एंगल भी चाहिए होगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा वो तो। ठीक है, तो ये 25 MCQs जो है ये हमने ख़त्म कर लिए हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होगा वो इसका जो सब्जेक्टिव वाला पोर्शन है वो मैं कंप्लीट करवाऊंगा। कोई अगर मसला हो, कोई सवाल ना समझ आ रहा हो तो आप लोग मुझसे पूछ लेना यूट्यूब पे कमेंट करके, या व्हाट्सएप पे पूछ लेना, थोड़ा इंतज़ार कर लेना, बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं। ठीक है बच्चों, पे अल्लाह हाफिज़।